स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल फिल्मी मेमोरीज में। आज का वीडियो बॉलीवुड के फेमस एक्टर, डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर सतीश कौशिक जी, जिनका 9 मार्च 2023 को अभी हाल ही में स्वर्गवास हुआ, इनको श्रद्धांजलि स्वरूप समर्पित है। आज के वीडियो में सतीश कौशिक सर जी के एक्टिंग करियर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद हमारी कोशिश आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सतीश कौशिक जी का पूरा नाम सतीश चंद्र कौशिक है। इनका जन्म 13 अप्रैल 1956 को महेंद्रगढ़ पंजाब में हुआ। इनकी शादी शशि कौशिक जी के साथ 1985 में हुई और इनका स्वर्गवास 9 मार्च 2023 को गुड़गांव हरियाणा में हुआ। इनकी सबसे पहली मूवी एक्टिंग के रूप में आई थी 1983 में जाने भी दो यारों। इसमें नसीरुद्दीन शाह सतीश कौशिक थे। यह मूवी सुपरहिट रही। अगली 1983 में आई थी वो 7 दिन। इसमें अनिल कपूर, पद्मिनी कोलापर और नसीरुद्दीन शाह भी थे। ये मूवी हिट रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी मंडी। इसमें स्मिता पाटिल, शबाना आजमी भी थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी 1984 में आई थी उत्सव। इसमें रेखा, शशि कपूर, सतीश कौशिक थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी आई थी 1985 में सागर। इसमें ऋषि कपूर, डिंपल कपाड़िया, सतीश कौशिक, कमल हासन थे। ये मूवी एवरेज रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी मोहब्बत। इसमें अनिल कपूर, विजेता पंडित, सतीश कौशिक थे। ये मूवी एवरेज रही। अगली मूवी 1987 में आई थी मिस्टर इंडिया। इसमें अनिल कपूर, श्रीदेवी, सतीश कौशिक, अमरीश पुरी थे। इसमें सतीश कौशिक जी ने कैलेंडर का रोल निभाया। ये ब्लॉकबस्टर रही। अगली 1987 में आई थी काश। इसमें जैकी श्रॉफ, डिंपल कपाड़िया, सतीश कौशिक थे। ये मूवी एवरेज रही। अगली 1987 में आई थी उत्तर दक्षिणी। इसमें जैकी श्रॉफ, रजनीकांत भी थे। ये मूवी एवरेज रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी ठिकाना। इसमें अनिल कपूर, अमृता सिंह भी थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली 1987 में आई थी जलवा। इसमें नसीरुद्दीन शाह, अर्चना पूरन सिंह, अमिताभ बच्चन भी थे। ये मूवी सेमी हिट रही। अगली 1988 में आई थी एक नया रिश्ता। इसमें रेखा, राजकिरण भी थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली 1989 में आई थी रामलखन। इसमें अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, अमरीश पुरी, सतीश कौशिक लीड कास्ट में भी थे। ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। अगली 1989 में आई थी वर्दी। इसमें सनी देओल, जैकी श्रॉफ भी थे। ये मूवी हिट रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी जोशीले। इसमें सनी देओल, अनिल कपूर, श्रीदेवी भी थे। ये मूवी हिट रही। अगली 1989 में आई थी प्रेम प्रतिज्ञा। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, माधुरी दीक्षित भी थे। ये मूवी हिट रही। अगली मूवी आई थी इसी साल में आग से खेलेंगे। इसमें अनिल कपूर, जितेंद्र, धर्मेंद्र भी थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी 1990 में आई थी आवारगी। इसमें अनिल कपूर, गोविंदा, माधुरी दीक्षित भी थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी 1990 में आई थी तकदीर का तमाशा। इसमें जितेंद्र, गोविंदा, आदित्य पंचोली भी थे। ये मूवी सेमी हिट रही। अगली 1990 में आई थी स्वर्ग। इसमें राजेश खन्ना, गोविंदा, सतीश कौशिक, जूही चावला थे। ये मूवी हिट रही। अगली 1990 में आई थी जमाई राजा। इसमें अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित भी थे। ये मूवी एवरेज रही। अगली 1991 में आई थी विषकन्या। इस मूवी में मुन्नू सेन, कबीर बेदी भी थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली 1991 में आई थी मौत की सजा। इसमें अनीता राज, आलोक नाथ भी थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी आई थी 1993 में सरदार। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1994 में अंदाज। इसमें अनिल कपूर, करिश्मा कपूर, जूही चावला भी थे। ये मूवी एवरेज रही। अगली मूवी 1996 में आई थी साजन चले ससुराल। इसमें गोविंदा, करिश्मा कपूर, तब्बू, सतीश कौशिक थे। ये मूवी सुपरहिट रही। अगली मूवी आई थी 1997 में मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी। इसमें अक्षय कुमार, जूही चावला भी थे। ये मूवी एवरेज रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी दीवाना मस्ताना। इसमें गोविंदा, अनिल कपूर भी थे। ये मूवी हिट रही। अगली मूवी आई थी इसी साल में मेरे सपनों की रानी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में घूंघट। इस मूवी को भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप डिजास्टर करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1997 में दिल के झरोखे में। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस डिजास्टर करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी गुदगुदी। ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी, कॉमेडी ड्रामा मूवी थी। ये मूवी डिजास्टर रही। अगली 1998 में आई थी परदेसी बाबू। इसमें गोविंदा और रवीना टंडन भी थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली 1998 में आई थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ। इसमें अमिताभ बच्चन, गोविंदा भी थे। ये मूवी हिट रही। अगली 1998 में आई थी घर वाली बाहर वाली। इसमें अनिल कपूर, रवीना टंडन भी थे। ये मूवी एवरेज रही। अगली 1998 में आई थी आंटी नंबर वन। इस मूवी में गोविंदा भी थे। ये मूवी एवरेज रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी किला। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर
फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1998 में ही छोटा चेतन, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1999 में हसीना मान जाएगी, ये कॉमेडी ड्रामा मूवी थी, ये मूवी हिट रही। अगली मूवी 1999 में आई थी आप लौट चले, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर ब्लो एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी 1999 में आई थी बड़े दिल वाला, इसमें सुनील शेट्टी भी थे, ये मूवी डिजास्टर रही। अगली मूवी 1999 में आई थी हम आपके दिल में रहते हैं, इसमें अनिल कपूर भी थे, ये मूवी सुपरहिट रही। अगली मूवी 2000 में आई थी हमारा दिल आपके पास है, इसमें अनिल कपूर ऐश्वर्या राय भी थे, ये मूवी सुपरहिट रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी तेरा जादू चल गया, इसमें अभिषेक बच्चन भी थे, ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी चल मेरे भाई, ये भी एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी, इसको बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी हद कर दी आपने, इस मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 2000 में ही पापा द ग्रेट, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी दुल्हन हम ले जाएंगे, इस मूवी में रवीना वो करिश्मा कपूर भी थे, ये मूवी हिट रही। अगली मूवी 2001 में आई थी क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, इसमें गोविंदा भी थे, ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी आई थी 2002 में हम किसी से कम नहीं, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 2003 में आउट ऑफ कंट्रोल, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 2003 में आई थी तहजीब, इसमें मूवी में उर्मिला मातोंडकर भी थे, ये मूवी डिजास्टर रही। अगली मूवी 2003 में आई थी कलकत्ता मेल, इस मूवी में अनिल कपूर भी थे, ये मूवी डिजास्टर रही। अगली मूवी आई थी 2004 में आवरा का झावरा, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस डिजास्टर करार दिया गया। अगली मूवी 2005 में आई थी खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे, इसमें प्रीति जिंटा और गोविंदा भी थे, ये मूवी डिजास्टर रही। अगली मूवी 2006 में आई थी जिसका नाम था उमर, ये मूवी बॉक्स ऑफिस डिजास्टर रही। अगली मूवी 2007 में आई थी कुछ खट्टा कुछ मीठा, ये भी एक ड्रामा मूवी थी, कॉमेडी ड्रामा मूवी थी, ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी 2007 में आई थी ब्रिक लैंड, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस डिजास्टर करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 2008 में गॉड टू सी ग्रेट हो, इसमें सतीश कौशिक जी ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। अगली मूवी 2008 में आई थी धूम धड़ाका, ये भी एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस डिजास्टर करार दिया गया। अगली मूवी 2009 में आई थी लव का तड़का, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर करार दिया गया। अगली मूवी 2009 में आई थी डू नॉट डिस्टर्ब, इसमें गोविंदा भी थे, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली मूवी 2009 में आई थी रोड मूवी, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर करार दिया गया। अगली मूवी 2010 में आई थी मिलेंगे मिलेंगे, इस मूवी में को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 2010 में आई थी सिटी ऑफ गोल्ड, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। अगली मूवी 2010 में आई थी दो दिलों के खेल में, इसमें राजेश खन्ना भी थे, ये मूवी डिजास्टर रही। अगली मूवी 2010 में आई थी अतिथि तुम कब जाओगे, ये भी एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी, ये मूवी एवरेज रही। अगली मूवी 2011 में आई थी रास्कल, इसमें अजय देवगन भी थे, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली मूवी 2011 में आई थी हम तुम शबाना, इस मूवी को ही बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर करार दिया गया। अगली मूवी 2011 में आई थी चतुर सिंह टू स्टार, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। अगली मूवी 2011 में आई थी डबल धमाल, ये भी एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी 2014 में आई थी जिसका नाम था लक्ष्मी, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस डिजास्टर करार दिया गया। अगली मूवी 2016 में आई थी जिसका नाम था ढिशुम, इसमें सतीश कौशिक जी की वॉइस को लिया गया था, ये मूवी एवरेज रही। अगली मूवी 2016 में आई थी जिसका नाम था उड़ता पंजाब, ये मूवी एवरेज रही। अगली मूवी आई थी 2018 में यमला पगला दीवाना फिर से, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 2018 में आई थी जिसका नाम था फन्ने खां, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस डिजास्टर करार दिया गया। अगली मूवी 2018 में आई थी जिसका नाम था सूरमा, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 2019 में जिसका नाम था भारत, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट करार दिया गया। अगली मूवी 2020 में आई थी जिसका नाम था बागी 3, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही। अगली मूवी 2020 में आई थी जिसका नाम था खाली पीली, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 2021 में आई थी जिसका नाम था कागज, ये मूवी ऑनलाइन रिलीज हुई थी। अगली मूवी 2022 में आई थी जिसका नाम था शर्मा जी नमकीन, ये मूवी भी बॉक्स था, ये भी मूवी भी ऑनलाइन रिलीज हुई। अगली मूवी 2023 में आई जिसका नाम है छतरी वाली, ये सतीश कौशिक सर जी की लास्ट मूवी रही, क्योंकि इसके बाद इनका स्वर्गवास हो गया।
तो ये सतीश कौशिक सर जी का एक्टिंग करियर था। इनमें कौन सी मूवी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और कौन सी आपकी फेवरेट मूवी रही, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर उनके डायरेक्टर का करियर एनालिसिस देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम वीडियो बनाने